नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। लोकसभा इलेक्शन 2024 सर पर है और इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने बड़ी जोर शोर से तैयारियां की है, वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों, आप नेताओं और सरपंचों ने प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता, सरपंच, किसान संगठन लगातार इस रैली का विरोध करने की चेतावनी दे रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं की तरफ से शाह की रैली के पोस्टर्स पर सवालों के पोस्टर भी लगाए गए हैं और यही नहीं, सरपंचों की तरफ से रैली में पर्चे उड़ाकर विरोध करने की चेतावनी भी दी गई है। सरपंचों का कहना है कि उनकी तरफ से 10,000 पर्चे छपवाए गए हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में उड़ाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन गांवों में पहुंचकर लोगों को रैली में ना शामिल होने के लिए कह रहे हैं और अपनी छतों पर काले झंडे लगाने को भी कह रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने 150 लोगों को नोटिस जारी किया है और उनसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया है। वहीं शाह की रैली से पहले कई प्रदर्शनकारी नेताओं को नज़रबंद भी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया है। 4,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 36 DSP, 28 IPS अधिकारी समेत ADGP की भी ड्यूटी लगाई गई है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में पहले ही फ्लैग मार्च निकाला जा चुका है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिरसा में अमित शाह की रैली इसलिए की जा रही है कि बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का सर्वे कराया था, जिसमें सिरसा और रोहतक सीट कमजोर स्थिति में नजर आ रही थी, जिसको देखते हुए आज सिरसा में शाह लोकसभा चुनाव का आगाज करने वाले हैं।